दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पैड फ़ोन में जो सिम ट्रे या मेमोरी ट्रे का जो स्लॉट होता है उसको कैसे निकालें, वो भी बिना जले डायरेक्ट हीट करके। इसका देखिए, की पैड फ़ोन में निकालने का दो तरीका होता है। एक तो आप इस साइड से हीट करिए, जैसे इस तरीके का बोर्ड को फंसा लीजिए, नीचे से हीट दीजिए और ऊपर से पार्ट को चेंज कर दीजिए। या तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऊपर से हीट करके निकाल सकते हैं। तो मैं आपको आज ऊपर से हीट करके कैसे निकालते हैं ये दिखाता हूँ। मैं पहले इसकी एलसीडी रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हीट लगेगी तो एलसीडी ख़राब हो सकती है। तो एलसीडी निकालने के लिए इस पर सबसे पहले थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं, चिमटी की सहायता से मैं इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ। जी देखिए, एलसीडी निकाल के किनारे रख लेंगे। ये आईटेल का हैंडसेट है, देखिए ये ट्रे टूटा हुआ है। ये मैं इसी को आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये पीसीबी स्टैंड में मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। आपको हीटिंग 200 के आसपास रखनी है, 200 से ज़्यादा नहीं रखनी है। इसलिए क्योंकि डायरेक्ट हम अगर 300 फिट कर देंगे तो ये या तो पीसीबी डेड हो जाएगी या तो ये मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा या तो ये मेल्ट हो जाएगा। देखिएगा, मैं इसको ढकूंगा भी नहीं, ऐसे ही नॉर्मली निकालूंगा। ये भी मेल्ट नहीं होगा, ये भी मेल्ट नहीं होगा। 200 टेम्परेचर रखेंगे अभी शुरू के कुछ मिनटों के लिए। तो सो मैंने अभी टेम्परेचर 200 रखा हुआ है। सोल्डिंग से की सहायता से इसको थोड़ा थोड़ा रिसोल्ड कर लेंगे। अभी देखिए, मैं थोड़ा सा हीट कर लिया हूँ, तो अभी 200 टेम्परेचर था, मैं अभी इसको 240 या 250 कर दूंगा। और मैंने एयर भी बढ़ा दिया है, असेंबली की वजह से घुमाते रहें, बीच में कर ले रहा हूँ। ये देखिए, अगर डायरेक्ट आप 300 पे हीट देते हैं, अगर 300 या 350 हीट देते हैं, 350 या 300 हीट देते हैं डायरेक्ट, तो ये मेल्ट हो जाता है। या तो पीसीबी डेड हो जाएगी या तो ये मेल्ट हो जाएगा, या हो सकता है डेड ना हो, निकाल लें। लेकिन ये सिंपल वे है, आपको बस एसएमडी को घुमाते रहना। अभी मैं टेम्परेचर 280 कर दे रहा हूँ। अगर आप जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो ये जो प्लास्टिक पार्ट है वो कभी भी पिघलेगा नहीं। ये कैमरा लड़ गया मेरे हाथ से, अभी मैं इसको सही कर लिया। ये देखिए, अभी पिघला नहीं है, ये देते रहेंगे इसको। अभी मेरे असेंबली का टेम्परेचर 300 हो गया है, मैंने 300 कर दिया है। देखिए, इसको हीट करते रहना और इसको हिलाते रहना है। अगर हिलाना बंद किए तो हीट एक जगह लगेगी और कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। जरा सा प्रेस्ट की जरूरत पड़ गई है इधर की तरफ और इधर की तरफ, इधर की तरफ। देखिए, अभी मेल्ट होने लगा। टेम्परेचर मेरे समडी का भी 300 है। एयर आप अपने हिसाब से रखिए, थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो सही होगा, क्योंकि प्लास्टिक पार्ट निकालने में आसानी होती है। ये देखिए, बहुत आसानी से निकल गया। अब डायरेक्ट डायरेक्ट हिट कभी ना दें, डायरेक्ट ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, न ये मेल्ट हुआ है, न ये मेल्ट हुआ है, और पीसीबी भी डेड नहीं है। मैं आपको पीसीबी भी ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। अभी बने रहिए। ये ऑन कर रहा मैंने, ये देखिए इसकी लाइट जल रही, मतलब पीसीबी चालू है। तो ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। सबसे पहले आपको टेम्परेचर कम रखना है, 200 पे हीटिंग चालू करनी है, फिर वो आपको धीरे 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 वो टेम्परेचर बढ़ाते जाना है। फिर
3 साढ़े 300 तक आके रुक जाना है, और बस देखते रहना है कि ये इसके पॉइंट्स मेल्ट हो रहे हैं कि नहीं। जब आपको लगे मेल्ट हो रहे हैं, ट्वीज़र की सहायता से धीरे से पकड़ के उठा लेंगे और बहुत आसानी से निकल जाएगा। देख लीजिए, ना आपका कोई कोई कंपोनेंट नहीं जला है, कुछ भी नहीं जला है। मैं आपको भी क्लीन करके दिखा रहा हूँ। देखिए फिर भी ऑन है, ये देखिए ये भी मेल्ट नहीं हुआ ये। बाकी आप अगर ऐसे डायरेक्ट हिट करोगे तो सारा जल जाएगा। और ज़्यादा बेसिक सी एस एम डी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, कोई सी भी एस एम डी जो आपके पास 1700-1800 की हो, 2000-2200 की आपने जो खरीदी हो, उस एस एम डी से आसानी से निकल जाएगा। ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं। बस एक ट्रिक ये है कि आपको पहले टेम्परेचर कम रखना है, जब आप हीट करना चालू करेंगे पहले टेम्परेचर कम रखना है, फिर टेम्परेचर को 30 सेकेंड 35 सेकेंड के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ाना बढ़ाते रहना है। क्योंकि अगर किसी भी पार्ट को, अगर मैं जैसे ये है, आपको ये है कनेक्टर, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अगर मैं अभी इसको अगर डायरेक्ट हीट करूँगा ना तो ये जल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसकी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा थोड़ा थोड़ा करके, तो ये जलेगा नहीं, ना पीसीबी पर कोई विशेष इफेक्ट पड़ेगा और ना इस पर। और ये 350 तक जाते जाते आराम से निकल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।